और आज फिर से एक खास वीडियो लेकर आ रहा हूँ जी। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एक भैंस ने एक HF की जो बच्चिया आती है उसको जन्म दिया है। सुनने में थोड़ा अजीब होगा लेकिन वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ अलग जानकारी दूंगा आपको, किस बुल की है, कैसे गैपिंग हुई थी, कैसे बच्चिया एक कटड़ी एक बच्चिया में बदल गई, वो भी आप सामने वीडियो में देखोगे। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। सभी साथियों को नमस्कार भाई, राम राम दीपक सिया की ओर से, और बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो स्वागत है सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल सिहाग मुरा फार्म पर। भाई पशुपालन में कोई भी अजीब चीज़ हो, चाहे कोई गाँव तीन बच्चिया देवे, दो बच्चिया देवे, एक बच्चिया देवे, जैसी भी जो भी अलग चीज़ होती है आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, या फिर कोई भैंस 70 से 80 किलो का कोई बच्चा लेकर आती है वो भी आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ। और आज फिर से एक खास वीडियो लेकर आ रहा हूँ जी। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एक भैंस ने एक HF की जो बच्चिया आती है उसको जन्म दिया है। सुनने में थोड़ा अजीब होगा लेकिन वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ अलग जानकारी दूंगा आपको, किस बुल की है, कैसे गैपिंग हुई थी, कैसे बच्चिया एक कटड़ी एक बच्चिया में बदल गई, वो भी आप सामने वीडियो में देखोगे। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। एक बार चैनल को शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो रूटीन से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, मिलते हैं जी आगे इनके मालिक से। तो ये वो बछड़ी है जी, चाहे बछड़ी कह लो चाहे कटड़ी कह लो, बिल्कुल जो एक प्योर HF नस्ल की, जो कलर होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से कलर होना चाहिए वही कलर इस कटड़ी में आया है। ये देख लो जी, एल्थी बहुत ज़्यादा है, हाइट लेंथ पूरी है जी। और ये देखो, जो आपने HF नस्ल में देखी होंगी बच्चिया, प्योर HF की जो होती हैं, ब्लैक टीक होते हैं, वाइट होते हैं, उसी प्रकार से इस कटड़ी के भी हैं। और ये नहीं है भाई वैसे हम गप मार रहे हैं, माँ भी इसकी साथ में खड़ी है, इस भैंस की बेटी है। मालिक से मिलेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया है भाई साहब। एक बार नाम बताओ भाई साहब अपना। मेरा नाम संदीप बादू भाई साहब, गांव मंगाड़ी है। ठीक है, इसार डिस्ट्रिक्ट के पास। इसार डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है जी। मोबाइल नंबर हम देंगे नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा तंग कर लेंगे। तो ये बताओ आपके घर की भैंस है ये? हाँ जी बिल्कुल घर की भैंस। ठीक है, ये घर की भैंस आपके कौन से ब्याज में लेकर आए थे? ये दूसरे की लेके आए थे। अच्छा, दूसरे में, ठीक है। और डिलीवरी आपके घर पे हुई है? हाँ जो आपकी बार तीसरी बार भी आई है? हाँ, आपकी बार तीसरी बार, तीसरी बार भी आई है जी। ये सामने आप देख सकते हैं, और ये पूरी की पूरी मुड़ रहा है, सामने आप देख सकते हैं, लगभग जेड ब्लैक है, वही पीठ पुठा वी साइप का, ये देख सकते हैं टोटली जेड ब्लैक मुर्रा है, बिल्कुल गोल सींग है, छोटा तो नहीं है लेकिन गोल है बिल्कुल। ये देखो कहीं भी बॉडी पे कहीं भी सफ़ेद टिक नहीं है, सफ़ेद कोई शाइन नहीं है, कोई मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी कटड़ी को जन्म दिया है। तो भाई साहब कितने महीने की होगी ये? अभी तो भाई साहब दस एक दिन की हुई है। अच्छा, 10 दिन की। हाँ जी। कटड़ी तो बहुत हेल्थी है, बस यही खान पान का ही है जी। हाँ, हेल्थी तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके कलर के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कलर के बारे में तो भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ऐसी हमने पहली बार देखी है ये चीज़। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं दोस्त के, व्हाट्सएप वगैरह पे डाली थी तो। अच्छा, हाँ भाई अजीब ही चीज़ है पहली। हाँ, बात तो देखें जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने के लगाया था पहली बार में या के आ गया? रिएक्शन क्या हुआ था? मैं तो एक्चुअल में ऑफिस में गया हुआ था, और पीछे से जब शाम को इसकी डिलीवरी हुई तो अच्छा, मेरे पास भी पड़ोस में भाई साहब है मेरे, मतलब अच्छा मित्र हैं, तो इन्होंने फोटो भेजी कि ऐसी आई है अपने घर में। तो आप खुश हुए थे या यूं होगी? बहुत अच्छा लगा था, मैंने तो चंडीगढ़ तक सिस्टर तक फोटो ही भेज दी थी इसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी। एक बार माइक ऑन कर दे दो भाई साहब को, पकड़ लो जी एक बार, वैसे पकड़ लो भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। नाम क्या जी अपना? मेरा संजय कुमार मंडा जी। ठीक है संजय भाई, पहली बार आपने देखी थी, क्या रिएक्शन था आपका? बहुत बढ़िया लगा जी, बढ़िया लगा था। यूं हुई थी भाई कोई अलग चीज, भाई अलग चीज हमारे घर पे पैदा हुई है। बिल्कुल अलग है जी ये तो, बिल्कुल अलग है जी। ये देखो, वैसे तो देखो सारे कटड़ी वाले लक्षण है, ये देखो चेहरा भी वही है मुर्रा वाला, लेकिन जो कलर है वो बिल्कुल अलग आ गया। ये देखो जो खुर भी है वो भी वाइट आ गए हैं HF की तरह, और हाइट लेंथ भी पूरी है। थन तो चार ही है ना इसके? हाँ थन चार ही है। ठीक है, एक बार ताई जी को और देते हो जी माइक। ताई जी राम राम। राम राम। नाम क्या ताई जी? नाम क्या अपना? नाम? नाम रोशनी। रोशनी, ठीक है। तो ताई जी कैसी लगी थी आपको ये कटड़ी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी थी आपको? यूं तो नहीं आई भाई ये क्या आ गया? नहीं है, मेरे ऐसे हुई भाई, किसी के भूरी लाती है, किसी के काली लाती है। हाँ अपना दोनों आएगी, काली भी आएगी भूरी भी आएगी, अपने भाई दोड़ी आगी, सबसे अलग चीज आई है। अलग चीज आई है, बिल्कुल सही बात बताइए जी, अलग चीज आ गई, अच्छी चीज आई है। अच्छा तो यूं बताओ, इसको रखोगे या बेचोगे? अच्छा रखोगे इसको, बढ़िया पाड़ोगे? बढ़िया पाड़ो। ठीक है जी, चलो ये भी अच्छी बात है, ताई जी ने बताया भाई आगे पाड़ेंगे इसको, और कैसा रिजल्ट होगा वैसा देखेंगे। ले लो भाई जी एक माइक, ले लो एक बार।
तो संदीप भाई यू बताओ, आपने अपनी भैंस को किस गैपिंग कैसे करवाया था, सीमन रखवाया था, क्रॉसिंग करवाई? सीमन नहीं, भैंस अभी हमारे गांव में जैसे पंचायत का जोटा है, ठीक है, तो उससे हमने इसको मैचिंग गैपिंग करवाया था, ठीक है। तो ये बताओ और भी कोई बच्चे ऐसे आए हो बोल के, या फिर ये तक तो अब मैंने तो नहीं देखी है, ठीक है, ठीक है। टाइम से मैं पहले भी मतलब इधर उधर गांव में कहीं भैंस वगैरह लेने जाते तो एरिया में घुमा हुआ हूं, तो मैंने नहीं देखी ऐसी, ठीक है। हाँ, इसमें आप बुल का भी दोष नहीं कह सकते, क्योंकि कोई रेयर चांस किसी भी बुल का आ सकता है, ये नेचर है सर, इसमें तो कुछ नहीं, हाँ कुछ भी आ सकता है जी, रेयर चांस होता है, क्या पता क्या आ जाओ, प्रकृति का मिलनसार है, पता नहीं परमात्मा क्या बना देवे। तो संदीप भाई, भैंस के बारे में क्या डिटेल है, कितने दूध वाली है बताओगे थोड़ा एक बार? दूध पिछली बार जब सेकंड टाइम की थी तो ये तकरीबन 15 किलो 600 ग्राम दूध हमने इसका काउंट किया था, मतलब 15 किलो 600 ग्राम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो अब की बार तो देखो अभी 10 दिन की है तो कितना करेगी ये, बाकी फीड वगैरह अच्छी है इसकी तो देखो कितना करेगी मैक्सिमम। हाँ, देखो आगे कितना करेगी। तो इस बार भैंस को सेल करोगे या कैसे है? नहीं, अभी तो रखेंगे भैंस को ही। बाखड़ी सेल कर दोगे? नहीं, हो सकता है इसको बाखड़ी भी रख लें, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अभी बेचने। हाँ सही बात है, अभी तो दूध पीने के लिए रखा है, ठीक है। और जो ये कटड़ी है, ये पिछले ब्यांत किसकी? ये पिछले ब्यांत की है, ठीक है, 2.5 साल की है करीब, मतलब ठीक है, ठीक है। ये देखो जी, ये पिछले ब्यांत की है, ये देख सकते हैं कटड़ी, ये तो बिल्कुल माँ पे आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये माँ पे आ गई बिल्कुल, ये देखो भाई। तो संदीप भाई भी आप भी पढ़े लिखे हो, गवर्नमेंट जॉब पे भी हो, जॉब करते हो सॉरी, तो ये बताओ पशुपालन में क्या कुछ राय है आपकी? पशुपालन में ये जी अच्छा है, अगर घर का दूध मिल जाए, लस्सी मिल जाए, तो घर के लिए भैंस तो हर एक को, मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कोई बंदा तो रख सकता है एक भैंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है, रख सकता है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं, दूध पीने के लिए तो रखनी चाहिए, ठीक है। तो सीमन के और रुझान नहीं हुआ आपका भाई? सीमन अच्छा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ज़्यादा हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे लोकल हमारे गाँव में जो अच्छा है, ठीक है, हाँ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेन बात है तो उसी से करवाते हैं लगभग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताई जी एक बार खोल के दिखाइयो, चला के और दिखा दो थोड़ा, ये देखो भाई 10 ही दिन की है और हाइट लेंथ भी बहुत अच्छी है कटड़ी की, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, कलर बढ़िया होता है ना बिल्कुल जेड ब्लैक, तो काफ़ी अच्छी कटड़ी होती है। ये देखो चाल ढाल बहुत प्यारी कटड़ी की, ये देखो जी, और ये देखो भाई प्यार प्रेम भी ममता की झलक आप देख सकते हैं, भैंस भी बिल्कुल चक्कर काटने लगी, ये देखो, ये देखो। तो भाई दूध डायरेक्ट पिलाते हो? हाँ दूध सीधा ही, मतलब जब दूध निकालते हैं तब सीधा डायरेक्ट ही देते हैं। अच्छा डायरेक्ट ही पिला देते हो, ठीक है, दो थनों का, ठीक है, बहुत अच्छा था जी। ये देखो कटड़ी तभी तैयार हो रही भाई, तो इसको संदीप भाई तैयार करोगे आगे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल तैयार, घर पे ही रखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल घर पे रखेंगे, थोड़ी होनी चाहिए अलग चीज, कुछ अलग होना चाहिए, भैंसे तो सारे रखते हैं हमारे पास, तो अजीब भैंस है बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम और रख दियो कोई बढ़िया, ठीक है, सोच रहे हैं जब बड़ी होगी ना तो इसका नाम भी रख दियो, अच्छी बात हो जाओगी। ये देखो जी, और नीचे से मैं दिखा दूँ एक बार आपको थन वगैरह, ये देखो खूब अच्छी कर रही है, और ये देखो जी थन भी बहुत प्यारे आ रहे हैं, ये देखो भाई क्वालिटी सारी की सारी टॉप है, बस एक कलर को छोड़कर, बाकी चलो अच्छी बात है। संदीप भाई ने बताया भाई आगे तैयार करेंगे इसको, परिवार में मजा आए, एक रौनक सी आई और अलग से एक यूं भी हो जाओ भाई, अलग सी पॉजिटिविटी सी लगती है, क्वालिटी भी हो जाओ है, अलग से है अलग हमारे से पास है। तो ऐसा जी जी नहीं बहुत बढ़िया है, ठीक है संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं आगे, ठीक है ताई जी धन्यवाद, ठीक है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, चल पे ज्यादा वीडियो देखने के लिए भाई शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कटड़ी आपको कैसे लगी, राम राम जी सभी साथियों को।